नमस्कार, घमासान.com पर आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी राठौर। अभी तक आपने कई तहसीलदार के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी महिला तहसीलदार के बारे में बताने जा रही हूँ जिनकी 17 साल की नौकरी में 28 तबादले हुए। जी हाँ, देखिए इनका वीडियो। तहसीलदार अमिता सिंह, जी हाँ, एक ऐसी महिला तहसीलदार जो व्यवस्था से बेहद परेशान रही और 15 साल की अवधि में उनके 28 तबादले किए गए। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट की और उसमें कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा, शासकीय सेवा बनाम राजनीतिक संरक्षण, चाटुकारिता, भ्रष्टाचार और जी हजूरी। मन बहुत व्यथित है, एक अकारण सजा, दूसरा शारीरिक अक्षमता के कारण कुछ करने, कहीं आने जाने में हो रहे कष्ट के कारण। मेरे कई साथी मित्रों और वरिष्ठों को इस पोस्ट पर निश्चित रूप से आपत्ति होगी, खिसियाहट होगी, गलत बताएंगे, पर सच हमेशा कड़वा ही रहा है। मलाई खाने वाले लोगों को नीम की कड़वाहट कैसे पसंद आ सकती है, विचारणीय है। खैर, एक बात और, हमारे तथाकथित देशभक्त राजनेता जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, दूसरी ओर उनकी पसंद वही शासकीय कर्मचारी अधिकारी होते हैं जो महीने के महीने एक बड़ा चम्मच मलाई, वो भी मिश्री मिलाकर उनके मुँह में डालता हो। शासकीय सेवा के 31 वर्षों में यही देखती आई हूँ, चाहे मनचाही पोस्टिंग हो, मनचाहा ट्रांसफर हो, मनचाहा प्रमोशन हो या राष्ट्रीय दिवसों पर मिलने वाले उत्कृष्ट कर्मचारी का पुरस्कार हो, उन्हीं के ऊपर ये अनुकंपा होती है जो मलाई खाता और खिलाता है। राजनीतिक खाने वाला वरिष्ठ कार्यालय शासकीय और राजनीतिक होना चाहिए। आप जनसेवक हैं, इस धारणा को दिल दिमाग में रखकर चाहे जितने जनहितैषी कार्य कीजिए, आपके कार्य से कितने ही गरीब, दलित, दबे, कुचले आम जन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई हो, उनकी लाखों दुआएं आपके साथ हों, पर अगर आपने ऊपर मलाई का कटोरा नहीं भेजा तो आपकी ये सारी कवायद बेमतलब सिद्ध होगी। जो लोग इस बात को आत्मसात कर उसी हिसाब से शासकीय सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा उत्कृष्ट मानी जाकर सराही जा रही है। जिसने सही रूप में जनसेवा की है उसको सिर्फ ईश्वर ही देख रहा है। वरिष्ठ कार्यालय की आंखों पर उस साइड पट्टी ही बंदी रहेगी। दुखद ही नहीं, शर्मनाक तो यह है कि जनता के दुख दर्द में घड़ियाली आंसू बहाने वाले जनप्रतिनिधि भी सिर्फ जनता के हितैषी होने का दावा करते हैं, पर जब मलाई की बात आती है तो चुपचाप मलाई खाना ही सबको पसंद आता है। मेरी शासकीय सेवा में मेरे सारे ट्रांसफर 15 साल में 28 ट्रांसफर हुए और सिर्फ इसी कारण हुए कि मैंने जनहितैषी काम किया। सार्वजनिक रूप से उन जनप्रतिनिधि तथा कथित जनता के हितैषी लोगों के नाम लेना उचित नहीं है, वरना मैं सबूत एक एक नाम सार्वजनिक कर सकती हूँ कि कब किस जनहित के काम से किस जनप्रतिनिधि को कष्ट हुआ और उसे ट्रांसफर करवाया। उनमें से कई तो सर्वोच्च सदन में बैठे नजर आते हैं। अब बात नौकरशाही की। वरिष्ठ कार्यालय में आपका नुकसान करने वाली फाइल वंदे मातरम ट्रेन चूकी, अब इसने स्पीड में शताब्दी को पीछे कर दिया, इसलिए इस ट्रेन का नाम लिख रही हूँ कि स्पीड से दौड़ती है। मलाई न खिलाने वाले कर्मचारी का पक्ष भी नहीं लिया जाता, और अगर कुछ नियमानुसार भला होना हो तो साहब के पास एक चिड़िया बैठाने का टाइम भी हफ्तों क्या महीनों तक नहीं होता है। हाँ, अगर आपके ऊपर किसी राजनेता का हाथ हो तो वो फाइल भी वंदे भारत की तरह दौड़ सकती है। कोई शक नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई कुछ सुनने वाला भी नहीं है। इस व्यवस्था में देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 स्तंभ बनाए गए जिससे चेक और बैलेंस बना रहे, पर विधायिका के वरद हस्त प्राप्त कार्यपालिका इतनी निरंकुश हो चुकी है कि न्यायपालिका उसके आगे बुनी हो चली है। न्यायपालिका कोई आदेश जारी करे तो जुडिशरी की भाषा का अपने हिसाब से अर्थ बताया जाकर उसमें कोई लेकुना बताकर उस आदेश को भी धता बता दिया जाता है। कठिन प्रतियोगी परीक्षा पास करके आए हम जैसे लोग उसी परीक्षा में कुछ ज़्यादा अंक पाए लोगों की प्रताड़ना का शिकार होते आए हैं, होते रहेंगे। शर्म आती, हम भी उसी घटिया व्यवस्था का हिस्सा हैं जहाँ मानवीय संवेदना, जनहित जैसे शब्दकोश में पाए जाते हैं। घिन आती है अब उस सिस्टम पर जिसका हम हिस्सा हैं, जहाँ स्वाद के लिए सिर्फ मलाई की मिठास ही पसंद है, सत्यता, निष्ठा, ईमानदारी जैसे कड़वे स्वाद को पसंद नहीं किया जाता। जिसे बुरा लगा बेशक वो मुझे अनफ्रेंड कर दे, जिस मलाई खाने वाले वरिष्ठ को बुरा लगा
एक और अनुशासन की कार्रवाई कर दे, पर अब कलम तो चुप नहीं रहेगी न जुबान। बहुत हुआ अब और नहीं, जय हिंद। उन्होंने एक शेर भी लिखा है, खामोशियों की मौत अब गवारा नहीं हमें, शीशा है टूट कर भी खनक छोड़ जाएंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।